इसी साल शैलजा हत्याकांड ने सबको हैरान कर दिया। कत्ल की साजिश कुछ इस तरह से बुनी गई थी कि पुलिस को भी जांच करते वक्त चक्कर आने लगे थे, लेकिन हत्यारा ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाया। मेजर हांडा ही शैलजा का कातिल निकला। कातिल हांडा ने शैलजा का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो उसे पाने की हर कोशिश कर चुका था, लेकिन शैलजा ने उससे शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। यही बात हांडा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और यही बात शैलजा के कत्ल की सबसे बड़ी वजह बनी थी। दिल्ली पुलिस ने मेजर हांडा को मेरठ से धर दबोचा था। इस पूरे मामले में एक आर्मी मेजर पर दूसरे आर्मी मेजर की पत्नी की हत्या का आरोप था। ये मामला जून 2018 में काफी सुर्खियों में रहा। जब तक मृतका की पहचान नहीं हुई तब तक इसे मामूली हत्याकांड माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही शैलजा की पहचान के साथ साथ उसकी हत्या के पीछे आर्मी मेजर निखिल हांडा का नाम आया तो ये केस और हाई प्रोफाइल हो गया। मेजर हांडा ने पहले शैलजा को अपनी कार में बिठाया और फिर शैलजा को दिल्ली कैंट के एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल से पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान हांडा ने चाकू से शैलजा पर कई वार किए और शैलजा हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। बात एक तो क्लियर है कि मेरे सिस्टर बहुत अच्छी तरह अपना गृहिक जीवन बिता रही थी, और अभी जो मीडिया में अफवाहें आ रही हैं कि दोनों के बीच में कोई अफेयर था, कोई रिलेशन था, मैं इसका अर्थात रूप से खंडन करता हूँ। बिकॉज मेरे सिस्टर बहुत हैप्पीली अपने पति के साथ, अपने छोटे बच्चे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक आर्मी मेजर का हत्यारोपी के रूप में सामने आना लोगों को हैरान कर गया था। हत्या का कारण सिर्फ एक बेतुकी चाहत थी। शैलजा को पाने की चाहत। वो बेहद खूबसूरत थी, वो ब्यूटी क्वीन थी, खूबसूरती का खिताब उसने जीता था। वो स्मार्ट थी, काबिल थी, लेकिन शातिर मेजर ने उसे अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वो निकल नहीं पाए। तेईस जून को मेजर हांडा फोन पर रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, यही कह रहा था कि जरूरी बात करनी है, बस एक बार मिलने आ जा, इसके बाद फिर कभी नहीं मिलूंगा और ना ही कॉल करूंगा। मेजर हांडा बार बार जिद कर रहा था और इसी जिद के कारण शैलजा ने उससे मिलने की हामी भर दी ताकि वो मेजर हांडा से आखिरी बार मिलकर उसे पीछा छुड़ा सके। लेकिन शैलजा उसकी बातों के पीछे छुपे खूनी इरादों को भांप नहीं पाई थी और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। हाल ही में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शैलजा द्विवेदी मर्डर केस में मेजर हांडा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या और 201 यानी सबूतों को नष्ट करने के तहत आरोप तय किए हैं। फिलहाल मेजर हांडा अपने गुनाहों की सजा सलाखों के पीछे भुगत रहा है।